हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए साउथ की बहुत ही फेमस अप्पे की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्पे की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसी कटोरी से मैंने 2 कप चावल लिया है, मैंने नॉर्मल चावल लिया है जो हम लोग डेली घर में बनाते हैं। उसके बाद इसी कटोरी से मैं यहाँ पे 1 कटोरी उड़द की दाल लूंगी। जैसे हम लोग इडली के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें बैटर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। अब इसको हम अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लेंगे, फिर इसको ओवरनाइट के लिए या फिर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। देखिए इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको अच्छे से पानी डाल करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ढक करके 4 से 5 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ये फूल जाए। ये देखिए अच्छे से ये फूल गया है। तब इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको पीस लेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे, फिर बाद में अगर पानी की जरूरत होगी तो और पानी इसमें डाल लेंगे। और इसको हमें गाढ़ा ही पीसना होता है, पतला नहीं पीसते। जैसा इडली बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका बैटर होता है गाढ़ा। आप चाहे तो आप इसी समय इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नमक बाद में ऐड करूंगी इसमें। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बाद में मैंने इसमें बस 1 से 2 टेबल स्पून पानी और ऐड किया था। और देखिए इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है अप्पे बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए बैटर। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिए हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, फ्रेश हरा धनिया लिया है, 1 प्याज लिया है और मैंने यहाँ पे 8 से 10 कड़ी पत्ते लिए हैं जिसको बीच में से तोड़ लिया है। अब सभी चीजों को अप्पे के बैटर में डाल देंगे। ये सब डालने से अप्पे का जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़ जाता है। आप चाहो तो इसमें गाजर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे मीठा सोडा ताकि जो अप्पे वो अच्छे से फूले फूले बने। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तो जो बैटर है बिल्कुल रेडी है अप्पे बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक अप्पे पैन लिया है, पैन को अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ऑयल लगा लेना है और बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है इसमें। पैन गर्म हो गया है तो अब हम पैन में अप्पे का जो बैटर है वो डाल देंगे। और ये जो अप्पे हैं बहुत ही फूले फूले बनते हैं क्योंकि हमने इसमें डाला है सोडा, तो जो बैटर है इसको पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे। मैंने अप्पे का जो बैटर था वो पैन में डाल दिया है और अब इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि नीचे की साइड से अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। 2 से 3 मिनट हो गया है जो अप्पे वो नीचे की साइड से हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर पे इस पे हम ऑयल डालेंगे। फिर इसके बाद इसको पलट लेंगे। ये देखिए नीचे की साइड से जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो इसको पलट लेंगे सभी को। नीचे की साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसका। अब इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डालेंगे 1 से 2 बूंद। और फिर से इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरीके से और कुक हो जाए दूसरी साइड से भी। ये देखिए जो अप्पे हैं दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए और ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसको मैं ढकूंगी नहीं, बस ऐसे ही इसको अलट पलट के दोनों साइड से और अच्छे से कुक कर लेंगे।
और देखिए जो अप्पे हैं अच्छे तरीके से फूल गए हैं। आप सभी अप्पों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल फिर से लगाएंगे। और बाकी के जो अप्पे हैं उनको बना लेंगे। बस इसे बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे। अप्पे डालने के बाद मैंने पैन को कवर कर दिया था। कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया है और हटाने के बाद फिर से जो अप्पे हैं उनको पलट लेंगे। और ये देखिए नीचे की साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसमें। सभी अप्पों को ऐसे ही पलट लेंगे। पलट के फिर से इसको पहले की तरह ही जैसे पहले वाला हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही इसको बनाना है। फिर से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो गया है। तो अब इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब अप्पे के साथ खाने के लिए बनाएंगे एक स्पेशल चटनी। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है, बड़े साइज का टमाटर, बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। और एक प्याज लिया है, प्याज और टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। 15 से 20 मैंने लहसुन लिए हैं और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेते हैं इस चटनी में। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चना दाल और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने उड़द की दाल। और 6 से 7 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ली है, इससे चटनी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में चटनी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ऑयल डालकर इसको गरम कर लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे नहीं तो जो लाल मिर्च है वो जल जाएगी। जैसे लाल मिर्च का कलर चेंज होगा बस इसको निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में डाल देंगे 1 टीस्पून सरसों के दाने। सरसों के दानों को अच्छे से चटकने देंगे। फिर डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए। फिर डाल देंगे इसमें चने की दाल और उड़द की दाल, डाल के दोनों सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए लहसुन का जो कलर है अच्छे से चेंज हो गया है। तो लहसुन को हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, पर प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए उतना ही प्याज को भुनेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को देखिए थोड़ी देर के लिए भून लिया है और प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तब डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस टमाटर हल्का सा गल जाए उतना ही टमाटर को पकाएंगे। अब डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि जो टमाटर और प्याज है वो जल्दी से गल जाए। ये देखिए टमाटर भी पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसको पीसेंगे। अब सारा जो मिश्रण है उसको मिक्सर में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हमें इसे पीसना है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है बिना पानी डाले ही, और ये बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए इसके जो थिकनेस है। तो ये देखिए हमारे जो अप्पे हैं बिल्कुल रेडी हैं चटनी के साथ, और ये चटनी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आप लोग भी इस अप्पे की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।